जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में एक नई वैकेंसी आ चुकी है और इसमें भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। जो भी आपके 10वीं में मार्क्स हैं उसी के आधार पर इसमें सिलेक्शन वगैरह किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन वगैरह कब से चालू हो रहा है, इसके लिए एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा सैलरी वगैरह यहाँ पर आपको कितनी मिलनी चाहिए। और इससे पहले भी दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर जो है यानी कि भारतीय डाक विभाग में जो वैकेंसी आई गई थी उसमें अगर आपका सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ हो पाया है तो इसमें आपके चांसेस यहां पर बढ़ रहे हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो पूरा मैं नोटिस आपको दिखाऊंगा, हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। बहुत ही बम्पर वैकेंसी दोस्तों जारी हो चुकी है और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक भी शेयर कर देना है। तो चले फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह, अगर आपने रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक जेनुइन निकले गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जो लेटर है यहाँ पर जारी किया गया है ऑल चीफ पोस्टमास्टर जनरल के लिए, और सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट GDS सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा टू यहाँ पर देख सकते हैं ऑल चीफ पोस्टमास्टर जनरल सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023 यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल डियर सर मैडम करके यहां पर बताया गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विथ द डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन ऑफ द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023 फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सभी जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनको ये लेटर जारी करके यहाँ पर जानकारी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बाकी की सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डेट यहाँ पर मैंशन है 31/7/2023 का, यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं, नोटिस नंबर यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है और इसी के नीचे यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। पोस्ट दोस्तों एक तो BPM है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और यहाँ पर डाक सेवक की यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि कब से फॉर्म भरना चालू होगा। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है यानी कि 3 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 23 अगस्त 2023 तक इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के दौरान कोई भी अगर आप गलती कर देते हैं, वैसे तो आपको गलती करना नहीं है लेकिन फिर भी बाई चांस गलती हो जाती है तो उसमें भी आपको सुधार करने का यहाँ पर चांसेस वगैरह दिया जाएगा। जो 24 अगस्त लेके 26 अगस्त तक आप इसमें सुधार वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, अगर इससे पहले आप अगर आपने यहाँ पर भारतीय डाक विभाग में जो वैकेंसियाँ जारी हुई हैं उसमें अगर आपने अप्लाई वगैरह किया हुआ है तो आपको सैलरी वगैरह के बारे में भी पता होगा, 10,000 से लेकर 12,000 तक सैलरी मिलती है। और यहाँ पर BPM का देख सकते हैं 12,000 और ABPM और डाक सेवक की 10,000 सैलरी आपको दी जाती है और ये सैलरी समय समय पर आपकी बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, ये सारा चीज यहां पर रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहेगा, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है, इसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है और डाक सेवक के जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें जो एज है दोस्तों, इस एज लिमिट में सभी एज वाले कैंडिडेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल, मैक्सिमम 40 साल तक जनरल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल में और ऐड कर दीजिए, 43 साल तक OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल और ऐड कर देना है, तो SC ST वाले 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर पूरी कैटेगरी यहां पर मेंशन करके बताया हुआ है कि किनको कितना यहां पर जो है एज मिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये तमाम तरह की जानकारी यहां पर हो गई। इसके अलावा एजुकेशन तो आप सभी को पता है, मात्र 10वीं पास यहां पर अगर आप हैं तो दोस्तों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं आपने किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूट से वगैरह से प्राप्त किया हो तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो उस स्टेट में आपको देख लेना है कि उस स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोली जाती है। ठीक है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप दोस्तों यूपी बिहार के होके और आप तमिलनाडु वगैरह या अन्य कुछ उसमें अप्लाई कर दें,
तो वहाँ का आपको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो वहाँ इसीलिए आपको उस जो यहाँ पर सर्कल है उसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको अपने ही सर्कल में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बता रखा है कि कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज, साइकिल वगैरह यहाँ पर चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम तरह की जानकारी दोस्तों यहाँ पर निकल के आई हुई है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इंडियन पोस्ट GTS online.gov.in की वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो कल से जैसे कि डेट बताया गया है कि कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कल जैसे लिंक वगैरह एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको उसकी भी सूचना मैं दोस्तों इस यहाँ पर वीडियो बना के आपको दे दूंगा और फॉर्म भरना भी आपको बताऊंगा ताकि आप गलती ना करें, समझ रहे। तो गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पर बता रखा है, शॉर्टलिस्टेड यहाँ पर जो है बेसिस ऑफ जनरेटिव मेरिट लिस्ट, यहाँ पर जो भी है आपके जो भी 10वीं में जो मार्क्स हैं उसी के आधार पर यहाँ पर सलेक्शन वगैरह किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम बता रखा है, यानी कि यहाँ पर जो है अगर आपके 10वीं के मार्क्स में, अगर आपके 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको कैसे ग्रेडिंग सिस्टम निकालना है। इसके अलावा मल्टीपल जो CBSE बोर्ड वाले हैं यहाँ पर जो है उनके लिए दोस्तों 9.5 से जो भी आपके पॉइंट आए हुए हैं ग्रेडिंग पॉइंट उससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है और जिनका परसेंट है एज इट इज़ जो भी जो जिनका भी दोस्तों मार्क्स है वो एज इट इज़ जो भी मार्क्स है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, ऑनलाइन यहां पर फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको फीस वगैरह यहां पर कितना देना होगा, तो फीस यहां पर ज्यादा नहीं लगेगी। जनरल OBC को यहां पर 100 रुपए लगेगा, बाकी SC ST PWBD को यहां पर फीस नहीं लगती है, वो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी दोस्तों आपको इस भर्ती जुड़ी आपके पास होनी चाहिए और यहां पर नीचे आपको जो है पासपोर्ट साइज जो आपको फोटो अपलोड करना है उसका यहां पर जो है आपको फॉर्मेट देख सकते हैं, JPG या JPEG में यहाँ पर अपलोड करना है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम तरह की जानकारी दोस्तों आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के दौरान, ठीक है। अन्य कोई जानकारी मुझसे पूछना चाहते हैं इस भर्ती से रिगार्डिंग या अन्य किसी भर्ती से रिगार्डिंग तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।